भारत के केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जमशेदपुर पहुंचे हैं और जमशेदपुर में वे कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में मेरे पीछे जो आपको ये पंडाल दिखाई दे रहा है, यहाँ इनका स्वागत की तैयारी की गई है और कई नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुँचे हैं अपने नेता को सुनने के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जमशेदपुर में 3,843 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें बालीगुमा से पार्टी तक बनने वाले एलिवेटेड डबल कॉरिडोर का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री करेंगे। इसके बाद 10 सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास होगा। इसके बाद यहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुंचेंगे और रांची की जनता को भी 2,927 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास देंगे। झारखंड वासियों को कुल 6,770 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं। मेरे पीछे जो आपको ये विशाल जनसैलाब दिखाई दे रहा है, ये उनको सुनने के लिए, केंद्रीय मंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पारंपरिक रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहा था, जो पारंपरिक नृत्य है झारखंड का, जो झारखंड की परंपरा की पहचान है, वो यहाँ पर कई महिलाएं और पुरुष ढोल और मांदर की थाप पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यहाँ पर स्वागत कर रहे थे। बिष्टुपुर का ये गोपाल मैदान है जहाँ से मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है नितिन गडकरी पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर कई हज़ार करोड़ की योजनाओं का सौगात जो है वो जमशेदपुर वासियों को देंगे और साथ ही झारखंड वासियों को देंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री यहां से फिर रांची के लिए रवाना होंगे और वहां पर भी कई हज़ार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस गोपाल मैदान में हज़ारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं। जो ये जमशेदपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और सभी जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत के लिए यहां पर आए हैं। मैं आपको जो ये सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये बिष्टुपुर के गोपाल मैदान से दिखा रहा हूं, क्योंकि गोपाल मैदान अपने अलग अलग रंगों के लिए जाना जाता है और कई ऐसे बड़े प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम यहां पर होते हैं, कई समाज के प्रोग्राम यहां पर होते हैं और कई नेताओं और मंत्रियों का आगमन भी इसी गोपाल मैदान में होता है। आज यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आगमन हुआ है और उनके इस आगमन को लेकर जमशेदपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।